आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पंच क्रिएटिव वेरिएंट के बारे में, जो कि पड़ता है एक शोरूम प्राइस 8,52,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस सहारनपुर में 9,70,000 तक जाता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको की ऑफर की जाती है, उसमें आपको लॉक लॉक और फॉलोमी हेडलैम्प और बूट ओपनर के ऑप्शन मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और अभी ऑटोमोटिव की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि टाटा का ये एक क्रिएटिव वेरिएंट है, इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन ही ऑफर किया जाता है, मतलब अंडर पावर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन इसमें ऑफर किया जाता है। उससे पहले हम बात करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। तो आपको यहाँ पे DRL इसमें ऑफर की जाती है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर और क्रोम फिनिश का कॉम्बिनेशन मिलता है, टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ ऑफर किया जाता है। और ये स्ट्रिप इतनी प्यारी लगती है दूर से देखने में। गाड़ी में आपको कॉर्निंग बल्ब हेलोजन में दिया है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी इसमें ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। और इसी के साथ आपको फॉग लैम्प भी इसमें ऑफर किए जाते हैं और ट्रायल डिजाइन के साथ आपको ग्रिल भी गाड़ी में देखने को मिलती है। ड्यूल टोन में आपको बम्पर मिलता है। जैसे कि टॉप वारंटी इसमें शार्क फिन एंटीना होना चाहिए था, पर आपको इसमें नॉर्मली एंटीना मिलता है। ब्लैक कलर की आपको रूफ रेल्स मिलती है। साइड प्रोफाइल से ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन मिल जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर की आपको क्लैडिंग ऑफर की जाती है। बॉडी कलर आपको OVRMs दिए जाते हैं, उन्हीं में आपको टर्न इंडिकेटर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसी के साथ आपको इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल ऑफर किए जाते हैं, उनमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलता है। डोर पैनल को ओपन करने के लिए आपको सी पिलर में ही डोर हैंडल इसमें ऑफर किया गया है। गाड़ी की टेल लैंप्स आपको ट्रायो डिजाइन के साथ ऑफर की जाती है और रियर प्रोफाइल से गाड़ी दिखने में बड़ी बल्की सी लगती है। इस वेरिएंट में भी आपको रियर स्पॉइलर नहीं ऑफर किया जाता है, यहाँ पे आपको सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर डिफोगर, रियर वाइपर भी इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आपको विंडशील्ड पे आपको राइनो भी ड्रॉ हुआ मिलता है। बूट के मिडिल पे क्रोम फिनिश के साथ टाटा का लोगो, उसी के नीचे आपको कैमरे की ब्लेसिंग और उसके नीचे आपको पंच की बैजिंग मिलेगी। अगर आप गाड़ी में आफ्टर मार्केट रियर फॉग लैंप भी लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लगवा सकते हो। गाड़ी के रियर बम्पर में आपको 2 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पे आपको ट्रायो डिजाइन मिलता है। उसी के साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी इसमें दिए गए हैं। आपने इससे पहले टाटा पंच की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे टैप करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें ऑफर की गई है। गाड़ी में एक और अच्छा फीचर है कि आपकी गाड़ी ये बता देती है कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल अभी बचा हुआ है। गाड़ी में आपको नए डिजाइन के साथ डायमंड कट अलॉय ऑफर किए जाते हैं और इनके अगर टायर प्रोफाइल की बात करें 195/60/R16 की आपको टायर प्रोफाइल इसमें ऑफर की जाती है। गाड़ी में आपको फ्रंट ब्रेक डिस्क मिलेंगे और रियर वाले ब्रेक आपको ड्रम ऑफर किए जाते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलती है 190 mm, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की गई है। गाड़ी के जो डोर पैनल है वो 90 डिग्री के साथ ही खुलते हैं, इससे आप आसानी से इसमें बैठ भी सकते हो और आपको कुछ भी रखना हो तो आप उसको आसानी से अपनी गाड़ी में रख सकते हो। अगर गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको 0.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोटोन इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 83 BHP के साथ 115 Nm का टोर्क। मतलब गाड़ी का इंजन अंडर पावर है, थोड़ा सा नॉइज करेगा क्योंकि आपको 3 सिलेंडर इंजन ही इसमें ऑफर किया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको 20+ का एवरेज निकाल के दे देती है। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसको हम IAC बोलते हैं, कि आपके इंजन रोटेशन की आइडियल स्पीड बना के रखती है, उसको हम AIC बोलते हैं। गाड़ी के बोनट हुड में आपको इंसुलेशन भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपके केबिन में नॉइस कम से कम जा सके। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, तो इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं और क्या क्या आपको मिलेगा उसके बारे में करते हैं बात। तो गाड़ी के आपको डोर पैनल्स पे ही पहले ऑफर किए जाते हैं। सेटन क्रोम फिनिश के साथ आपको इनर डोर हैंडल मिलते हैं और यहाँ पे आपको OVRMs का कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑल पावर विंडो के ऑप्शन, और यहाँ पे आपको हार्ड टच की फिनिशिंग दी गई है और यहाँ पे आपको बोतल रखने के लिए और छतरी रखने के लिए भी स्पेस इसमें ऑफर किया गया है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन और ड्राइविंग मोड दिए गए हैं और गाड़ी में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट ऑफर की गई है। ठीक है, इंटीरियर लुक को इनहेंस करने के लिए आपके ब्लू कलर के आउटलाइन AC वेंट्स में दी गई है। ड्यूल टोन में आपको डैशबोर्ड दिया गया है। गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील आपको लेदर रैप में मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील के मिडिल में आपको क्रोम फिनिश के साथ टाटा का लोगो और यहाँ पे आपको माउंट कंट्रोल के ऑप्शन और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं। इसी के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको स्पीडोमीटर एनालॉग में दिया जाता है और टैकोमीटर आपको डिजिटल में दिया गया है। गाड़ी के AC वेंट्स आपको रेक्टेंगल डिजाइन में मिलेंगे और जो कि उनकी आउटलाइन ब्लू कलर की फिनिश के साथ हुई हुई है। ग्रे और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ आपको डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है। AC वेंट के मिडिल में आपको हैजार्ड लैंप स्विच मिलता है।
हरमन का आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड होता है, एप्पल कार प्ले भी देखने को मिलता है, और जो गाड़ी का रियर व्यू कैमरा है उसकी क्लियरिटी भी बहुत अच्छी है, और इसी के साथ आपको गाइडलाइन के साथ ही वो ऑफर किया गया है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, एसी को कंट्रोल आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए एसी पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलता है। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए या कुछ भी सामान कैरी करने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है। ग्लव बॉक्स मिलता है, उसी में आपको अच्छा स्पेस ऑफर किया जाता है, और इसी के साथ आपको ग्लव लैम्प भी इसमें देखने को मिलता है। को पैसेंजर हेड सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है, और रियर व्यू मिरर आपको डे नाइट मिलता है, और यहाँ पे आपको येलो कलर में कैबिन लैम्प, और ड्राइवर सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर ही मिल जाता है। सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी इस वेरिएंट में आपको ऑफर किए जाते हैं। रियर डोर पैनल में आपको मिलता है, सेटन क्रोम फिनिश के साथ आपको इनर डोर हैंडल इसमें ऑफर किए जाते हैं, और यहाँ पे आपको पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं, और व्हाइट कलर में आपको हार्ड टच के साथ रियर डोर पैनल भी इसमें ऑफर किया जाता है, और यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए स्पेस मिलता है, और गाड़ी में आपको हंप ना के बराबर ही इसमें ऑफर किया गया है। सीट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, ग्रैब हैंडल में आपको हुक भी इसमें दिया गया है। गाड़ी का रियर कैबिन, अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल यानी कि बूट पे। बूट में आपको कितना स्पेस ऑफर किया जाता है, तो इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है 366 लीटर का, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा बूट स्पेस इसमें ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, स्पेयर व्हील के साथ साथ आपको टायर इन्फ्लेटर भी देखने को मिलता है। अपना सामान कैरी करोगे तो भाई, जैसे कि बहुत डीप इसका बूट है, तो आपको सामान उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और एक बात बहुत बढ़िया लगी कि आपके जो डिफोगर की वायरिंग है, वो भी एक प्रॉपर फिनिश के साथ ही दी गई है, और यहाँ पे भी आपको हैंडल मिल जाता है, जिससे आपको अपने बूट को क्लोज कर सकते हो। ये थी टाटा पंच का क्रिएटिव वेरिएंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।